हेलो दोस्तों, सभी जी कड्डा में आप सभी लोग का स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछा था शालीमार बाग कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब देगा श्रीनगर में। और इस सवाल का सही जवाब दिया है आदर्श मिश्रा और जयश्री कुलकर्णी ने। बहुत कम लोग सही जवाब देते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देने की कोशिश जरूर करा करिए। पहला सवाल है, कौन सा जीव कभी नहीं सोता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सही जवाब देगा चींटी। सवाल नंबर दो, दुनिया का सबसे बदसूरत जीव कौन सा है? सही जवाब होगा ब्लोफिश। सवाल नंबर तीन, कौन सी जयंती साल में दो बार मनाई जाती है? सही जवाब होगा हनुमान जयंती। सवाल नंबर चार, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सही जवाब विटामिन सी। सवाल नंबर पाँच, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके मुंह में 14,000 दांत होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आप लोग के लिए। सही जवाब बेलुगा व्हेल। सवाल नंबर छः, राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? सही जवाब देगा पिंगली वेंकैया ने। सवाल नंबर सात, किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जाता है जा सकता है? सही जवाब देगा कोआला का। सवाल नंबर आठ, किस देश का झंडा उल्टा हो या सीधा एक समान ही रहता है? सही जवाब जाएगा जापान का। सवाल नंबर नौ, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी। सवाल नंबर दस, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? सही जवाब देगा यूरोप में। सवाल नंबर ग्यारह, सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? सही जवाब देगा हावड़ा ब्रिज। सवाल नंबर बारह, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा अमृतसर में। सवाल नंबर तेरह, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा दक्षिण अफ्रीका में। सवाल नंबर चौदह, चांद पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? सही जवाब रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर पंद्रह, इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब रहेगा अभियंता। सवाल नंबर सोलह, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? सही जवाब देगा ऋग्वेद। सवाल नंबर सत्रह, किस देश के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है? सही जवाब देगा श्रीलंका। सवाल नंबर अठारह, आमेर का किला कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा राजस्थान में। सवाल नंबर उन्नीस, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? सही जवाब अरुणाचल प्रदेश।
ओलंपिक्स किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन सही जवाब है गणित के क्षेत्र में। सवाल में 21 कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? सही जवाब का फ्रांस में। सवाल नंबर 22 अर्थशास्त्र का जनक कौन था? सही जवाब का एडम स्मिथ। सवाल नंबर 23 घोड़े के शरीर में क्या नहीं होता है? सही जवाब का गॉल ब्लैडर। सवाल नंबर 24 नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही जवाब का उन्नाव में। सवाल नंबर 25 सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब देगा फल उत्पादन से। सवाल नंबर 26 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 28 फरवरी को। सवाल नंबर 27 दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? सही जवाब कोलकाता। सवाल नंबर 28 बाल किस चीज के बने होते हैं? सही जवाब का प्रोटीन के। सवाल नंबर 29 प्रेम वाटिका के लेखक कौन थे? सही जवाब है रस खान। सवाल नंबर 30 विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? सही जवाब है भूटान। सवाल नंबर 31 एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है नई दिल्ली में। सवाल नंबर 32 टॉर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब है मशाल। सवाल नंबर 33 अधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? सही जवाब का उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 34 किस देश में गाय नहीं है? सही जवाब का सीरिया। सवाल नंबर 35 मकड़ी के कितने पैर होते हैं? सही जवाब का 8। सवाल नंबर 36 प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब है जर्मनी में। सवाल नंबर 37 पानी से भी सस्ता पेट्रोल कहाँ है? सही जवाब है कुवैत में। सवाल नंबर 38 चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सही जवाब 1917 में। सवाल नंबर 39 भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो भी सही जवाब लेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सवाल नंबर 40, लड़के ने लड़की से नाम पूछा, लड़की ने हाँ जवाब देते हुए कहा 9 साल 9 महीने 9 दिन, बताओ लड़की का नाम क्या है। सही जवाब है नेहा। इस सवाल में इस का जवाब छिपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लड़की ने हाँ जवाब देते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।